वेलकम टू इजी केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि डैश फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है और बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी थी, तो शायद आप कर चुके होंगे। तो अब आपने जो एक्टिविटी की है, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए इस वीडियो के ज़रिए। तो हम हर एक एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया गया था, वो एग्ज़ाम्पल इस तरह से था। यहाँ पर आपको जिगजैग फार्मूला दिया गया है और आपको कंडेंस फार्मूला ए और बी तैयार करना है और डैश फार्मूला तैयार करना है। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो फार्मूला दिया गया है वो कुछ इस तरह से फार्मूला दिया गया है। यहाँ पर बच्चों, इस जिगजैग फार्मूले को हम पहले नंबर दे देंगे। देखिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। ओके, यानी यहाँ पर इस फार्मूले में कितने कार्बन मौजूद है? 4 कार्बन एटम्स मौजूद है। और एक ख़ास बात देखिए कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो इस फार्मूले को देखकर हमको सबसे पहले डैश फार्मूला तैयार करना है। तो डैश फार्मूले में देखिए, हमने कार्बन नंबर 1 2 3 और 4 इस तरह से लिख दिए हैं। ये कार्बन नंबर 4 है। कार्बन नंबर 1 पर कितने हाइड्रोजन रखना है हमको? 3 हाइड्रोजन रखना है, 1 2 और 3। क्यों 3 हाइड्रोजन रखना है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन कोई भी 4 एटम से कंबाइन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हम कार्बन की वैलेंसी या तो हाइड्रोजन के ज़रिए कंप्लीट करते हैं, और अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो डबल बॉन्ड के ज़रिए कंप्लीट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस फार्मूले पर। आपको इस फार्मूले में पहले से ही डबल बॉन्ड दे दिया गया है। देखिए, कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रखा गया है। क्यों 1 हाइड्रोजन रखा गया है? क्योंकि कार्बन के तरफ पहले ही आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो ये 3 बॉन्ड है, इसलिए चौथा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन का रहेगा। कार्बन नंबर 3 पर भी 1 हाइड्रोजन की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि पहले से ही कार्बन नंबर 3 के अतराफ 3 बॉन्ड थे, तो चौथा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन का तैयार हो गया। और कार्बन नंबर 4 के अतराफ जो है 3 हाइड्रोजन हमको रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से डैश फार्मूला तैयार हो गया। अब इस फार्मूले को देखकर हमको कंडेंस फार्मूला ए और बी तैयार करना है। तो हम पहले बी तैयार कर लेंगे और उसके बाद ए तैयार कर लेंगे। आप कंडेंस फार्मूला बी देखिए। देखिए, यहाँ पर डैश फार्मूले को आप देखते जाइए। कार्बन नंबर 1 यानी कि इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए हमने इसको CH3 लिखा है। कार्बन नंबर 2 पर 1 हाइड्रोजन है, इसको हमने CH लिखा है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हमने डिलीट कर दिए हैं, और सिर्फ कौन से बॉन्ड हम बता रहे हैं? कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड बता रहे हैं। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड एज इट इज़, कार्बन नंबर 3 पर 1 हाइड्रोजन है तो CH लिखा है। कार्बन नंबर 4 पर 3 हाइड्रोजन है, CH3 लिखा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब कंडेंस फार्मूला ए, जो कि बहुत ही सुपर कंडेंस फार्मूला होता है, यहाँ पर एक भी बॉन्ड हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, CH3 एज इट इज़, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड था, हमने उसको डिलीट कर दिया है, ओमिट कर दिया है, CH3 CH। अब डबल बॉन्ड CH CH3। अब आप पूछेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड क्यों बताया गया है? डियर स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। किसका? अल्कीन का। तो फंक्शनल ग्रुप को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसे हमको बताना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने एक डबल बॉन्ड को रहने दिया है। तो ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला ए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको जो फार्मूला दिया गया था, देखिए पहले इसको कैसे रीड आउट करेंगे। CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स CHO। ये फार्मूला आपको दे दिया गया था टेबल में। और ये कौन सा फार्मूला है बोलिए? कौन सा फार्मूला है? कंडेंस फार्मूला है क्या, जिगजैग फार्मूला है क्या, डैश फार्मूला है?
बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये कंडेंस फार्मूला है, और कंडेंस फार्मूला में कौन सा फार्मूला है, ए है या बी है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ए है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। तो आपको जो गिवन फार्मूला है ये कंडेंस फार्मूला ए है। अब आपको लिखना क्या है, नंबर वन डैश फार्मूला लिखना है, नंबर टू कंडेंस फार्मूला बी लिखना है, और जिगजैग फार्मूला लिखना है। सबसे पहले डैश फार्मूला हम देख लेते हैं, हम हमारी आसानी के लिए फिर भी यहाँ पर ये नंबर डाल रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इस कंडेंस फार्मूले को देखिए कि कितने कार्बन दिए गए हैं गिवन फार्मूले में। ये एक कार्बन है, उसके बाद ये कितने कार्बन है, टू कार्बन, और ये कितना, एक। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, वन, और ये टू थ्री, और वन फोर कार्बन है। तो इस तरह से ये फोर कार्बन हमने पहले चेन उसकी बना ली है और उसको नंबर दे दिया है। ये कार्बन नंबर वन है, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर। सबसे पहले हमको कार्बन की चेन बनाना है, अब उसके ऊपर हमको हाइड्रोजन रखना है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर फोर पर हमने कितने हाइड्रोजन रखे हैं, थ्री हाइड्रोजन रखे हैं। कार्बन नंबर थ्री पर कितने हाइड्रोजन रखे हैं, टू हाइड्रोजन। कार्बन नंबर टू पर टू हाइड्रोजन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी फोर है। अब कार्बन नंबर वन को आप देखिए, कार्बन नंबर वन पर यहाँ पर देखिए CHO, तो हमने कैसा लिखा है इसको, C और उससे हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो C सिंगल बॉन्ड H, और ऑक्सीजन भी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसलिए C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फोर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी था, इसलिए डबल बॉन्ड की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, ऑक्सीजन की वैलेंसी टू है, उसको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी था, इसलिए डबल बॉन्ड की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी फोर वैलेंसी, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी टू वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हो गया डैश फार्मूला। अब हम देखते हैं कंडेंस फार्मूला बी तैयार करेंगे बच्चों। तो कंडेंस फार्मूला बी में हम कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप कार्बन नंबर वन को कैसे लिखे गया है, CHO, इस तरह से लिखना है। कार्बन नंबर टू, इस पर दो हाइड्रोजन है, उसको विदाउट बॉन्ड CH2 लिखा गया है। कार्बन नंबर थ्री को भी विदाउट बॉन्ड CH2 लिखा गया है, और कार्बन नंबर फोर को विदाउट बॉन्ड CH3 लिखा गया है। अब हमको जिगजैग फार्मूला तैयार करना है। तो जिगजैग फार्मूले में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्बन की गिनती कर लेते हैं। तो टोटल कार्बन कितने हैं, फोर। तो इसलिए हमने जो जिगजैग लाइंस ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर फोर कार्बन हमको नज़र आना चाहिए। चलिए हम गिन लेते हैं। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है, ठीक है। तो अब ये कार्बन नंबर वन को इस तरह से क्यों बताया गया है, डियर स्टूडेंट, जिगजैग फार्मूले में ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, हिटेरो एटम कहेंगे। क्यों हिटेरो एटम, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, इनसे अलग है, इसलिए उसे हिटेरो एटम कहा जाएगा। तो जब कभी हिटेरो एटम होता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी एटम्स होते हैं उन सबको बॉन्ड के ज़रिए बताया जाता है, इसलिए ये पूरा फॉर्मूला हमने बॉन्ड के ज़रिए बताया है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। ये आप याद रखिए कि कार्बन नंबर वन को सिर्फ अलग तरीके से हमने बताया है, कार्बन नंबर टू थ्री और फोर को एज इट इज़। आप बता सकते हैं कार्बन नंबर टू पर कौन मौजूद है, बिल्कुल सही कहा आपने, CH2। कार्बन नंबर थ्री पर कौन मौजूद है, CH2, और कार्बन नंबर फोर पर क्या मौजूद है, CH3, क्योंकि टर्मिनल पर हमेशा क्या मौजूद होता है, CH3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको गिवन फार्मूला क्या है, देखिए इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, CH3 CH2 CH ब्रैकेट में CH3 OH, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है। तो फोर कार्बन की हम इसको पहले इस तरह से लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ये कार्बन, ये फोर नंबर का कार्बन, ये थ्री नंबर का कार्बन, ये टू नंबर, और ये वन नंबर, ठीक है। तो हमने ये नंबर हमारी आसानी के लिए दिए हैं कि पहला कार्बन ये है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पर ये OH ग्रुप किससे जुड़ा है, कार्बन नंबर टू से जुड़ा है, ठीक
ठीक है, ये हमने कार्बन का स्केलेटन बना लिया है। अब इसको, इस स्केलेटन को कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन रखकर। ठीक है, तो कार्बन नंबर वन पर आप कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 3 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर टू पर कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 1 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर थ्री पर 2 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर फोर पर 3 हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो गया, डैश फार्मूला तैयार हो गया। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब कभी कोई ब्रैकेट में इस तरह से CH3 दिया होगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये CH3 कंटिन्यूस चेन में नहीं है, या तो CH के ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला है? कंडेंस फार्मूला है। तो कंडेंस फार्मूला कौन सा? बी वाला, कंडेंस फार्मूला बी। देखिए, कार्बन नंबर वन को हमने विदाउट बॉन्ड CH3 लिखा है, उस इसके लिए आप डैश फार्मूले को देखिए, इसको देखिए। उसके बाद कार्बन नंबर टू कैसा लिखा है हमने? CH। कार्बन नंबर थ्री कैसे लिखा है? CH2। कार्बन नंबर फोर CH3, और ये OH। डे स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से चेंज करके भी लिख सकते हैं। कार्बन नंबर वन को आप इधर ले लीजिए। देखिए, सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुई हमारी, यहाँ पर सीक्वेंस हुई है, खाली लिखने का पैटर्न चेंज हुआ है। CH3 कार्बन नंबर वन, उसके बाद CH, ये कार्बन नंबर टू, और ये OH जुड़ा हुआ है। ये OH आपको नज़र आ रहा है, ये CH2 कार्बन नंबर थ्री, और कार्बन नंबर फोर CH3। तो यहाँ पर आप किधर भी इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये CH3 आप क्योंकि कार्बन नंबर वन है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं या साइड में भी लिख सकते हैं। ये OH ग्रुप आप नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए, इसका आप zigzag फार्मूला तैयार करेंगे। सबसे पहले कार्बन कितने इस चेन में? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के हिसाब से हमने तैयार कर दिया। देखिए, ये टर्मिनल है कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री, और ये कार्बन नंबर फोर। तो यहाँ पर, यहाँ दोनों टर्मिनल कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर पर क्या होगा बच्चों? CH3 होगा, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप होगा। और यहाँ पर कार्बन नंबर थ्री पर क्या होगा? CH2। और कार्बन नंबर टू पर क्या होगा? CH, यानी एक हाइड्रोजन। और OH को हमने बॉन्ड के ज़रिए बताया है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ये हीटेरो एटम है, और हीटेरो एटम को पूरा लिखना ज़रूरी है, बॉन्ड के ज़रिए बताना ज़रूरी है। और ऑक्सीजन हीटेरो एटम होने की वजह से उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसको हमने इस तरह से लिखा है। तो ये हो गया उसका zigzag फार्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको गिवन फार्मूला इस तरह से दिया गया है, ज़रा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। देखिए कैसा पढ़ना है इसको, इसको क्या पढ़ना है? C(NN). ओके, इसको क्या पढ़ना है? C(NN). यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड, C(NN), सी के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, सी के नीचे सिंगल बॉन्ड OH। ये आपको जो फार्मूला दिया गया है, ये कौन सा फार्मूला है बोलिए? डैश फार्मूला है। हर एक बॉन्ड आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब इसको देखकर आपको कंडेंस फार्मूला A और B तैयार करना है, और zigzag फार्मूला तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंडेंस फार्मूला B देखेंगे, और उसके बाद A देखेंगे। देखिए B कैसे तैयार किया गया है। C और N, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है नहीं बताया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया CN। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, C और H के बीच का बॉन्ड नहीं बताया गया, और OH, इसको ब्रैकेट में लिखा गया। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि ये OH ग्रुप कार्बन के या तो नीचे है या ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद है सिंगल बॉन्ड CN, और इसी को देखकर हम कंडेंस फार्मूला A तैयार करेंगे। देखिए CN हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, तो CN 2 टाइम्स लिखा गया है, C लिखा गया है, फिर H लिखा गया है, और उसके बाद OH लिखा गया है। यहाँ पर दो दो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हमने CN को ब्रैकेट में लिख दिया है। अब इसका zigzag फार्मूला कैसा रहेगा बच्चों? देखिए टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। कैसे 3 कार्बन होंगे? 1, 2, 3। तो हमने इस तरह से ये 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन बना दी है, zigzag फार्मूला। तो देखिए कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, और ये कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 ये नाइट्रोजन से जुड़ा है,
ट्रिपल बॉन्ड के जरिए। तो नाइट्रोजन ये कौन सा एटम है? हीटेरो एटम है, इसलिए उसको बताएंगे और उसके बॉन्ड भी बताएंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एन बताया गया है। कार्बन नंबर टू से कौन जुड़ा है? ओ एच ग्रुप जुड़ा है। और हाइड्रोजन कहाँ चला गया? हाइड्रोजन ये कार्बन नंबर टू पर मौजूद रहेगा, उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कार्बन नंबर थ्री पर देखिए, कार्बन नंबर थ्री पर ट्रिपल बॉन्ड एन, ये यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये हो गया उसका जिगजैग फॉर्मूला। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई में ये समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आखिरी बात मैं आपको बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।